नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। अयोध्या गोलाघाट स्थित सुमित्रा सदन के महंत एवं कथा व्यास तथा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व पुजारी पवन कुमार दास शास्त्री ने एक चुनाव सभा के दौरान एक वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। श्री शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर सुने उनकी जुबानी। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव। जो गोलाघाट चौराहे पास पड़ता है और 84 कोस के दूर पूरे 84 कोस के एरिया में एक अकेला ये शत्रुघ्न भवन है जहाँ के हमारे महाराज पवन कुमार दास शास्त्री जी हैं। आप राजनभूमि मंदिर के पुजारी भी रह चुके हैं। आज स्थिति चुनाव की समर चल रहा है तो मैं सबसे पहले महाराज जी पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। महाराज जी, इस समय जो चुनाव लहर चल रहा है, किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी विजयश्री, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें सर। सरकार जो विगत 5 वर्ष से बनी हुई है वही सरकार बनी हुई है। संवैधानिक व्यवस्था है, 5 वर्ष में जनादेश लेना आवश्यक होता है, उसकी फार्मेलिटी मात्र हो रही है। सरकार जो बनी हुई है यह सरकार बहुत दिनों तक बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। संतों का रुझान भारतीय जनता पार्टी में तो है ही, लेकिन कुछ संत जो है वो अलग जो है समाजवादी पार्टी से या और कहीं से अपना मिलान हो रहा है, वो जा रहे हैं वहाँ पे, उस पर आप क्या बोलेंगे कि संतों में क्या मतभेद है कुछ? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो संत कहे जाने चाहिए, संत का जो एक चरित्र, एक पहचान, एक व्यक्तित्व होनी चाहिए, वह केवल एक ब्रांड से नहीं होनी चाहिए, वह उनकी साधना से, उनकी तपस्या से और उनकी जो अपनी एक नैतिकता है, एक चरित्र है। साधु एक चरित्र है, ना कि एक ब्रांड है। कोई किसी वस्त्र को धारण कर लिया, कोई साइन बोर्ड लगा लिया, तो इस प्रकार का के संत हमको अतीत काल में कालनेमी के रूप में और अनेक छद्म लोगों के, रावण ने भी संत का वेश बनाया था, लेकिन उसकी नैतिकता, उसका चरित्र क्या था, ये जग जाहिर है। तो इस प्रकार के जो ब्रांड हैं केवल संतों के, संतों का ब्रांड बनाए हुए हैं, वही लोग कहीं विपरीत में बात करते हुए दिखते हैं। नहीं तो जिसने भी केवल धोखे में भी बाना चोला ही अगर धारण किया है तो वह उसके विपरीत किसी प्रकार का तथ्य और कथ्य कर कैसे सकता है। महाराज जी, और पूछेंगे आपसे कि बहुत से संत जो है तमाम कई साल पहले से भी कांग्रेस में भी थे और तमाम पार्टियों में थे, आज सारे संत भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपना रहे हैं, क्यों उस पर भरोसा कर रहे हैं और क्यों वहाँ मतदान करने के लिए आतुर हैं? संत का जुड़ाव जहाँ तक कांग्रेस के साथ है तो वो इस नाते से था कि कांग्रेस स्वतंत्र आंदोलन के समय से वह ऐसा संगठन था और भारतीय जनमानस का इस प्रकार से नेतृत्व करता था कि भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पूर्ण स्वतंत्रता और हमारी भारतीयता की पहचान है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा की पहचान है। बहुत से लोग ये कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र होना दिया गया, लेकिन इस छोटी सी बात के नाते केवल साधु संत जो है वो जोगी जी के तरफ या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति का पोषक है, इस नाते संत समाज सदैव से इस विचारधारा के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे। कहीं ना कहीं उनको ये आशा थी कि जो पूर्ण स्वतंत्रता हमारी है, हमारी जो भारतीयता की पहचान है, उसको सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस को समाप्त करने के बाद तो स्वयं गांधी जी ने कर दिया था कि संघर्षशील मानसिकता का व्यक्ति सृजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है और सरकार में बैठे लोगों को सृजन करने का पहला प्राथमिक गुण उनके अंदर होना चाहिए। तो ये जो हमारे भारतीय पहचान, संस्कृति, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, जिसके नाते भारत संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट अरब देश का हो सकता है, चर्च का कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों का हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष के धरती पर ही मंदिर का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ था। इसी और से पूछेंगे, जिस तरह से भी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं पूरे अयोध्या को जो है करमुक्त कर दूंगा और पुरानी पेंशन योजना लागू कर दूंगा, लड़कियों की शिक्षा पर वो अपना अनुदान जो था उसको लागू कर देंगे, ऐसी तमाम योजनाओं पर गैस वो फ्री कर देंगे, 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर सरकार पर? नहीं नहीं, इसको जनता और बौद्धिक वर्ग के लोग तो समझते ही हैं। आप कहीं पर एक छोटे से कर के बदले में हमारा धड़ ही समाप्त कर दीजिए
तो इन लोगों की मानसिकता पूरे धड़ को समाप्त करने की रही है और वचन में कर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब कर और हम कर दे लेंगे, लेकिन हम अपना धर ही जब दे देंगे, हम ही समाप्त हो जाएंगे, तो हम फिर कर की बात कहाँ से, मुक्ति की बात या आरोपण की बात कर ही नहीं सकते हैं। ये सब छोटे मोटे विषय छलावा है। इस छलावा के साथ बहुत दिन तक भारतीय जनमानस जिया है, अब वो इससे मुक्ति चाहता है और उसके लिए उपाय कर चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी। अभी हमने जैसे पवनदास जी से बात हुआ, उन्होंने बताया कि अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर हैं, संत हैं, आम जनमानस है, सभी का भारतीय जनता पार्टी के पास पुनः जो है योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चाहती है। और जो यो अभी अखिलेश जी ने जो भी दावा किया है वो एक छलावा है, एक बात छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र सिंह के साथ।